गुड आफ्टरनून एवरीवन। और आज का जो टॉपिक है वो है झारखंड का एम्बलम, न्यू झारखंड का एम्बलम। सो ये टॉपिक मैं क्यों इंक्लूड किया, क्योंकि कल इसका अनावरण इनॉग्रेशन झारखंड के गवर्नर द्रौपदी मुर्मू और झारखंड के चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन ने किया। सो आई थॉट ये इम्पोर्टेंट टॉपिक हो सकता है झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस के एग्जाम के लिए, इवन इंटरव्यू के लिए। सो लेट्स डिस्कस अबाउट झारखंड का न्यू एम्बलम। तो पहले विशद में कि ये झारखंड का पुराना एम्बलम है जो कि मोस्टली रेक्टेंगुलर शेप में था, ठीक है। लेकिन जो झारखंड का न्यू एम्बलम है वो सर्कुलर है, आप देख सकते हैं ये सर्कुलर है, ठीक है। और इसकी कैरेक्टरिस्टिक को हम लोग अभी नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। बिफोर सीइंग द कैरेक्टरिस्टिक से पहले हम लोग को ये पता होना चाहिए इसको किसने इनॉग्रेट किया, ठीक है, और अनवील किया। तो गवर्नर द्रौपदी मुर्मू और चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन ने अनवील द एम्बलम ऑफ एट रांचीज आर्य भट्ट ऑडिटोरियम। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि ये कहां पे इसका अनावरण किस जगह से किया गया। तो आर्य भट्ट ऑडिटोरियम से इसका अनावरण किया गया। सो इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या है, पहले तो जो झारखंड के चीफ मिनिस्टर ने क्या बोला उसके बारे में ये देखते हैं। ये बोला कि द सर्कुलर एम्बलम एग्जिबिट द स्टेट का कल्चर ट्रेडिशन एंड प्रोग्रेस, ठीक है, स्टेट कल्चर ट्रेडिशन एंड प्रोग्रेस। इट रिप्रेजेंट्स एवरी कॉर्नर ऑफ द स्टेट, पूरे स्टेट को ये झारखंड का एम्बलम रिप्रेजेंट करता है। एंड रिफ्लेक्ट्स द स्पिरिट ऑफ झारखंड। सो अगर किसी को आप ये झारखंड का एम्बलम दिखाएंगे तो इसका मतलब ये एम्बलम पूरे स्टेट वासी, पूरे झारखंडियों को रिप्रेजेंट करेगा पूरे देश में। सो लेट मी रीड इन हिंदी। तो गोलाकार, ये गोलाकार है, प्रतीक राज्य की संस्कृति परंपरा और प्रगति को प्रदर्शित करता है, ठीक है। यह राज्य के हर कोने को प्रतिनिधित्व करता है और झारखंड की वास्तविक भावना को दर्शाता है। सो नाउ लेट्स सी द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस एम्बलम। सो आप ये देखें तो आउटर पार्ट, अगर आप देखें तो आउटर पार्ट जो है ये ग्रीन कलर का है। ये ग्रीन कलर का आउटर पार्ट क्या दर्शा रहा है, ये दर्शा रहा है ग्रीनरी इन द स्टेट। स्टेट में झारखंड में ऑलरेडी बहुत ज्यादा ग्रीनरी है। सारंडा फॉरेस्ट के बारे में भी आपने सुना होगा, सारंडा फॉरेस्ट वही है। अगर झारखंड में ही आई मीन, अगर जितना ज्यादा ग्रीनरी होगा उतना ज्यादा हैप्पीनेस होगा। तो जिसके कारण आउटर रिंग डिपिक्स ग्रीनरी इन द स्टेट एंड सिंबलाइज करता हैप्पीनेस और प्रोस्पेरिटी। मतलब बाहरी अधिकांश हरे रंग का रिंग राज्य में हरियाली को दर्शाता है, सुख और समृद्धि का प्रतीक है। जितना ज्यादा हरियाली होगा उतना ज्यादा सुख और समृद्धि होता है, ठीक है। सो नेक्स्ट देखते हैं एम्बलम बीच वाला। ये जो एम्बलम है ये है, ये तो हमारे देश का ही प्रतीक है। ये अशोका एम्बलम रिप्रेजेंट करता है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, इंपॉर्टेंट है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। अशोका प्रतीक सहकारी संघवाद का प्रतिनिधि करता है। ओके, नाउ कम टू सेकंड। ये जो बीच, ये फर्स्ट हो गया, उसके बाद तो झारखंड गवर्नमेंट ऑफ झारखंड लिखा हुआ। फिर नेक्स्ट जो रिंग है ये है, आप देख सकते हैं ग्रीन कलर में व्हाइट कलर का एलिफेंट है। तो ये एलिफेंट इज द, आपको पता होना चाहिए एलिफेंट झारखंड का स्टेट एनिमल है। तो झारखंड ये सिंबलाइज क्या करता है, नेचुरल वेल्थ, क्योंकि झारखंड में बहुत सारे फॉरेस्ट है तो इसके नेचुरल वेल्थ बहुत ज्यादा है। तो ये एलिफेंट दर्शाता है कि झारखंड में बहुत नेचुरल वेल्थ है और प्रोस्पेरिटी है, ठीक है। तो जो प्राकृतिक संपदा और समृद्धि का प्रतीक है, ओके। दूसरा ये सफेद हाथी वाला रिंग, ओके। नेक्स्ट चलते हैं थर्ड रिंग। आप देखें व्हाइट कलर में है लेकिन ये पलाश का फूल है। आपको ये पता होना चाहिए कि जो झारखंड का स्टेट फ्लावर है वो है पलाश। पलाश इज द झारखंड स्टेट फ्लावर। पलाश का फूल आपने देखा होगा, बहुत सुंदर होता है। और अगर आप झारखंड के जंगलों में जाएंगे तो यू विल फील मेस्मराइज्ड, आपको बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि पलाश के फूल चारों तरफ आपको दिखेंगे। तो ये दिखाता है पलाश का फूल की ब्यूटी ऑफ झारखंड। बिकॉज आप अगर पलाश के जंगल में जाइए जहां बहुत सारे पलाश के पेड़ है और पलाश का फूल अगर आपको दिख रहा है तो आपको लगेगा वाओ दिस इज लाइक हेवन, आपको लगेगा यही स्वर्ग है। तो इसीलिए ये ब्यूटी ऑफ झारखंड को दर्शाता है। और अगर आप जानते हैं तो पलाश का पेड़ जो मोस्टली थोड़ा सा रेडिश होता है, रेड कलर का होता है और थोड़ा केसरिया भी होता है, रेड और
केसरिया का मिक्स होता है। तो ये रेड कलर क्या सिंबलाइज करता है, ये रिवॉल्यूशन। रेड कलर तो आपको पता ही है कि इज सिंबल ऑफ रिवॉल्यूशन, और ये दर्शाता है कि झारखंड बनाने में कितनी मेहनत लोगों ने की, स्ट्रगल ऑफ पीपल ऑफ स्टेट। ठीक है, तो मैं हिंदी में उसको बता देता हूँ एक बार। तीसरी ये अंगूठी झारखंड की सुंदरता को दर्शाती है, और राज पुष्प पलाश का प्रदर्शन करती है। फूल में लाल रंग भी क्रांति का प्रतीक है और जो राज्य के लोगों के संघर्ष को दिखाता है। ठीक है, सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। ओके, अब यह जो फाइनल है, फोर्थ, जो ये फाइनल जो है ये वाला, ये फोर्थ, इसमें क्या है, ये मोटिफ ऑफ डांस है। अगर आप ध्यान से देखें इसको तो देख रहे हैं लोग, इसमें ट्राइबल डांस कर रहे हैं, फोक डांस कर रहे हैं, तो ये मोटिव ऑफ डांस क्या दर्शाता है, ये दर्शाता है हमारे झारखंड का कल्चर, हेरिटेज। और बहुत ऐसा नहीं कि झारखंड का कल्चर 50 साल पुराना है या 100 साल पुराना है, ये सेंचुरी ओल्ड है, हजार हजार साल पुराना है। ठीक है, ये दर्शाता है झारखंड के वाद्य, इंस्ट्रूमेंट, सॉन्ग एंड डांस। तो यही, दिस इज अबाउट झारखंड का, दिस इज अबाउट झारखंड का एम्बलम। सो गाइज, आई होप यू लाइक द वीडियो, प्लीज डू लाइक द वीडियो एंड प्लीज डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, प्लीज करें सब्सक्राइब करें। ठीक है, मैं इसमें झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन एज वेल एज बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन दोनों की वीडियो डाल रहा हूँ, सो प्लीज लाइक इट, एंजॉय। बाय बाय।